15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी देखी, ऐसी स्थिति राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। यह बयान दिया है इंदौर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने कहा कि हमारे साथियों ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अत्याचारी और दोगली सरकार के खिलाफ साथियों ने इस्तीफा दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की त्रिमूर्ति के नेतृत्व में भारत का विकास सुनिश्चित है और देश की अखंडता और एकता उनके हाथों में सुरक्षित है। पूर्व की कमलनाथ सरकार में बार बार जनता की आवाज उठाई गई, लेकिन सुनी नहीं गई। आने वाले उपचुनाव में उन्हें जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस छटपटा रही है उसकी कुर्सी जाने की वजह से। वे चाहते हैं कि कैसे भी हो कुर्सी उन्हें मिल जाए। सिंधिया ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हम केवल जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। सिंधिया ने कहा कि मैं जनसेवक था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे निजी हमलों पर कहा, कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं है। मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था, पिताजी ने सत्य का झंडा उठाया, उसी के अनुरूप मैंने सत्य का झंडा उठाया। मैं कांग्रेस के नेताओं का नहीं, बल्कि केवल जनता के प्रश्नों का जवाब दूंगा। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई, और खास करके कांग्रेस के नेता, वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जिन जो कैबिनेट मंत्री बने, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई, एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब वो जो भी कहना चाहें कहें, उनको अपना पूरा हक है कहने के लिए। हम अपने तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते, हम तो जनता के विश्वास पे उतरना चाहते हैं। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था, मैं 2002 से, जब से मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूंगा। कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं। जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कुर्सी के खेल में हम लोग ना लगें, लेकिन जनता का दिल जीतना और जनता का सम्मान जीतना, यही जीवन की सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि पूंजी होनी चाहिए जिंदगी में। करना पड़ रहा है जो शायद हमारे जीवन में हमने कभी नहीं और कई पीढ़ियों ने, जो धोनी जी ने भारत का ध्वज और भारतीय क्रिकेट का ध्वज राष्ट्र पटल पर फहराया, BCCI क्या? मैं तो मानता हूँ कि देश उनका ऋणी है, और इस पर मैंने ट्वीट भी किया, और मैं मानता हूँ कि जिस क्षितिज पर उनकी कप्तानी में भारत पहुँच पाया है वो अग्रणीय है, और उनका जो योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए, उसके लिए भारतीय क्रिकेट उनके प्रति सदैव ऋणी है।